21 दिसंबर से पिटलावत निवासी व्यापारी अशोक गुमशुदा है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा लगातार तलाश की जा रही है। इस बीच गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों ने पुलिस से मुलाकात कर जल्द से जल्द गुमशुदा हुए व्यक्ति तलाश करने की गुहार लगाई, जिसके बाद कार्रवाई नहीं होने पर इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है और अब तक गुमशुदा का कोई पता नहीं लगाया गया। बता दें कि गुमशुदा अशोक ने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें कई नाम लिखे थे और पैसे की लेन देन और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे इंसाफ चाहिए। वो घर से गए, चिट्ठी छोड़ के गए, मोबाइल छोड़ के गए और सुसाइड नोट लिख के गए। वो तीन व्यक्ति के नाम लिखे हैं और इस व्यक्ति की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ये, और इस वजह से मैं घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। हम भी अभी थाने पे ही खड़े हैं और इसी के लिए हम जवाब मांगने आए कि 15 दिन के अंदर क्या कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा, पर हमें यहाँ भी अभी जवाब कुछ भी मिला नहीं है। यहाँ पर अभी कोई भी उपलब्ध नहीं है, यही बोले कि जब आएंगे तब आपको जवाब दिया जाएगा। 29 तारीख को हम आए थे तो हमें यहाँ से एक पत्र दिया गया जिसमें लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी के संदर्भ में जो भी है आप बताइए, मतलब मेरे पिता में 20 साल में क्या लेन देन कर, मैं खुद 20 साल का हूँ और मुझसे 20 साल की लेन देन पूछी जा रही है मेरे पिता की। ये अशोक जाड़ामदा की हमारे यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है और उसको लेकर हम लोगों ने सभी जगह, सभी जिलों में, अन्य क्षेत्रों में भी उसके पंपलेट्स और पता रसी के लिए हमने जानकारी भेजी है। टीम भी अलग अलग भेजी हुई है और जहाँ जहाँ इनका मूवमेंट रहा है, बदनावर तक रहा है, उसके आगे का भी हम पता कर रहे हैं। और उनके परिजन आज हमसे मिले थे तो हमने उनको ये बताया कि यदि कहीं भी अननोन नंबर या कोई जानकारी आती है तो हमें तत्काल पुलिस को खबर करें। पुलिस चूँकि उनसे जानकारी मांग रही है, कुछ डिटेल्स मांग रही थी, उसको लेकर उनने आरोप लगाए हों है, लेकिन सरासर गलत है। और